नमस्कार दोस्तों, जयन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा जल्दी से आ जाए लाइव, फिर अपन स्टार्ट करने वाले हैं वायरिंग, हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग के बेटा कल अपन ने टाइप डिस्कस किए थे कुछ, बेटा उसमें जो आपकी टर्म्स यूज होती है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी अपन ने कल प्राप्त कर ली थी। आज बेटा अपना टारगेट है कि जितनी जो वायरिंग की जाती है हाउस के अंदर, या फिर वायरिंग के कितने प्रकार है आपके, वो बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाएं, और आपको नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा आज का टारगेट क्या है। तो बेटा टाइम ना लगाते हुए जल्दी से लाइव आ जाएं, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ बच्चे जैसे आ रखे हैं, बेटा जो बच्चे लाइव हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, और बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं तो पढ़ने का मजा भी आ जाता है ना। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करते हैं। लोकेश कुमार गुड मॉर्निंग, राकेश कुमार गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, रामराय मीणा गुड मॉर्निंग, ओके रामराय मीणा, मैं तो आपको कल रात को ही पहचाना आपकी फोटो देख के यार। देख लें, जो आपके डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे प्रॉपरली, जो क्वेश्चन 16 और 26 में जो आपको डाउट चल रहा था, ओके। आपके यूपीपीएससी ने भी बेटा वही माना था और मैंने आपको भेजा भी था, ठीक है ना। चलें आगे, तो चलते हैं, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने क्या क्या देखा था, मैंने यूं बताया था जो आपकी वायरिंग है, हाउस वायरिंग है, हाउस वायरिंग नहीं कह सकते अपन, वायरिंग बताते हैं। वायरिंग थी बेटा वो जो आपकी दो प्रकार की थी, एक तो थी टेम्परेरी वायरिंग, एक थी परमानेंट वायरिंग, एक थी अस्थाई वायरिंग, दूसरी थी स्थाई वायरिंग। तो बेटा अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे, स्टार्ट करते हैं आज अस्थाई वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। फिर आजमगढ़िया ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा, बड़ा लंबा नाम है यार, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। सुनील कुमार सैनी, मंजिले उन्हीं को मिलती है, मिलती है मंजिले उन्हीं को मिलती है, ओके, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, होता हौसले उड़ान होती है, ओके, बिल्कुल सही बात है आपका सुनील कुमार सैनी, बिल्कुल वाव नाइस आपने लिखा, ओके नमस्ते गुरुजी, बिल्कुल आजमगढ़िया ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा, बड़ा लंबा नाम है यार आपका। चलें आगे, ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन। देखे टेम्परेरी वायरिंग की बात, पहले तो मेरा टेम्परेरी वायरिंग की बात करते हैं। दो प्रकार की वायरिंग थी कल आपको बता दिया था प्रॉपरली, आपको याद होगा। मैं एक बार बेटा कमेंट से करके पूछना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना जितना मैटर अंदर से नहीं आता है, जितने क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बाहर से पूछता है। इसमें बाहर का मतलब ये होता है बेटा, देखो कि पहला क्वेश्चन तो यही से पूछता है कि आपकी परमानेंट वायरिंग कौन सी है या टेम्परेरी वायरिंग कौन सी है। बेटा एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये जो कौन सी वायरिंग है, ये वायरिंग जो मैंने लिखा है ये कौन सी वायरिंग है आपकी, कि टेम्परेरी वायरिंग है परमानेंट वायरिंग है। बेटा एक बार फटाफट कमेंट करना बेटा, एक बार पता चले कि कितने बच्चों को याद है, कहीं कुछ देखना नहीं है। ये जो मैंने वर्ड लिखा है बैटन, बैटन वायरिंग, बैटन वायरिंग बेटा एक परमानेंट वायरिंग है कि या फिर टेम्परेरी वायरिंग है, एक बार बताना। मैंने कल बोला था आपको याद करके आना है, ये किस प्रकार की वायरिंग है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, कमेंट करना बेटा अगर फटाफट, और वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करते रहे। ओके जल्दी बताएं बेटा, जो बैटन वायरिंग है वो किस प्रकार की वायरिंग है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, बेटा थोड़ा आइडिया हो जाए यार मेरे को भी कि हाँ प्रॉपरली याद है कि नहीं है, क्या है। शेयर कर दिया, बिल्कुल बेटा शेयर कर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया यार, शेयर किया है तो ज्यादा बच्चे लाइव आने चाहिए अपने। तो बेटा बताएं परमानेंट, अच्छा परमानेंट आजमगढ़िया बोल रहे हैं, परमानेंट है ओके, बिल्कुल। इसके अलावा और बेटा किसी को याद नहीं करके आया क्या ये, बेटा देखो ये ज्यादातर मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। शशिरा मीणा गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ओके परमानेंट, परमानेंट एक ही बच्चे का क्वेश्चन सुना रहा है। बेटा मैंने आपको ये बोला था कि वायरिंग के प्रकार को याद कर लेना बेटा, ठीक है ना, या फिर ऐसा याद कर लेना कि जो आपकी अस्थाई वायरिंग है टेम्परेरी वायरिंग है वो दो प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल केबल और क्लीट, इसके अलावा जितनी बच गई वो परमानेंट है, ऐसे याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। दो याद रखना, ये अस्थाई है, इसके अलावा सारी परमानेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत बार आपका उठता है, इसलिए बोल के ठीक है। राकेश कुमार बोल रहे हैं परमानेंट, ओके बेटा सारे बच्चों को पता है। चलते हैं नेक्स्ट, अपन स्टार्ट करते हैं आगे, हेडिंग डाल दो बेटा टेम्परेरी वायरिंग। कल अपन ने देखा था टेम्परेरी वायरिंग के बारे में, मैंने बताया था कुछ समय के लिए करेंगे, मेलों में सजावटी जो व्यवस्था करते हैं उनमें अपने काम में लेते हैं टेम्परेरी वायरिंग, है ना।
अब बात करते हैं टेम्परेरी वायरिंग में, जो आपकी दो प्रकार की थी। पहली आती है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। कौन सी आती है बेटा? पहली फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग है ना, होती है नहीं होती? तो बेटा आप हेडिंग डाल दें फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। अस्थाई वायरिंग पढ़ रहे हैं, अस्थाई वायरिंग में पहले जो पढ़ रहे हैं अपन कौन सी पढ़ेंगे? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। तो बेटा हेडिंग डालें आप फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। बेटा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग इसमें क्या करेंगे, एक फ्लेक्सिबल लचीला फ्लेक्सिबल मतलब लचीला कोई क्या लेंगे, कोई वायर लेंगे और बेटा उसको डायरेक्ट अपन स्थापित कर देंगे। मामला कौन सा हो जाएगा? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? तो देखें बेटा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग क्या करेंगे, तो इस वायरिंग में अपने को क्या करना है, फ्लेक्सिबल कौन सा, फ्लेक्सिबल पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाम पूछा गया था आपके, याद रखना पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी किसमें, टीजी2 में, यूपीबीसीएल में पेपर में आ रखी है पीवीसी फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपकी क्या करनी है, केबल या फिर सीटीएस केबल अपन प्रयोग में लेते हैं। ओके सीटीएस, अब बेटा सीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बच्चा बताएगा कि सीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है बेटा सीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा सीटीएस? सीटीएस भी अपनी एक केबल होती है, उसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा, कैब टायर सीथड, ठीक है ना, कैब टायर सीथड। सीटीएस की फुल फॉर्म आपके पीवीसी सीटीएस केबल को यूज किया जाता है। तो बेटा आपसे पूछे कि भाई आपकी जो फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग है उसमें क्या क्या यूज करते हैं, तो पीवीसी या फिर सीटीएस केबल आपका क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, मतलब सीटीएस केबल वगैरह यूज करने का फायदा क्या हो जाता है, या पीवीसी का अपन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये जो वायरिंग है आपकी क्या होती है, अस्थाई वायरिंग है, बिल्कुल बेटा कुछ टाइम के लिए करनी है, ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करते इसमें, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज करें बेटा, मैं बताता हूं आपको कि आपको करना क्या है कि यहां पर कोई एक बल्ब लगाना है, अस्थाई वायरिंग करनी है, बल्ब लगाना है मेरे को। मैंने क्या किया बेटा कि कोई पावर सप्लाई थी, यहां से कोई पॉइंट था, यहां से मैंने क्या किया दो वायर उठा लिए बेटा, इसी से मैंने क्या किया इसको सप्लाई दे दी है, आगे से देते हैं ना डायरेक्ट, क्या करते सप्लाई दे दी बेटा। ये सप्लाई देने से बेटा होता क्या है कि इस प्रकार से अपन डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं तारों के माध्यम से, कोई बल्ब को जला रहे हैं कहीं कोने पर है बेटा, इस कोने से इस कोने पर अपने को बल्ब जलाना है, तार लेके जाएंगे तो बेटा कोई अपने कोई भी बैटन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट अपने को तार लेके जानी है और इन तारों को बेटा हुक के माध्यम से क्या करते हैं, गाड़ देते हैं ताकि ये हिले ना बस। अब बेटा ये इंसुलेटेड होना जरूरी है, चालक हो गया तो दिक्कत खड़ी कर देगा ना, तो इसीलिए बेटा यहां पर पीवीसी या फिर सीटीएस केबल यूज की जाती है, पीवीसी या फिर सीटीएस कैब टायर सीथर्ड केबल आपकी यूज की जाती है, ताकि बेटा अपने पास कोई नुकसान ना पहुंच जाए, ये न्यूड वायर नहीं यूज करते हैं। ओके सर मेल आजमगढ़िया प्रशांत मिश्रा, सर मेल व्हाट्सअप जा रहा, अच्छा वॉशरूम जा रहा हूं, अच्छा ओके ठीक है, मेरे को सुनाई दिया पता नहीं व्हाट्सएप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलें आगे, तो चलें आगे देखें बेटा यहां पर क्या होता है आपका पीवीसी या सीटीएस आपका केबल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, रीजन सुन लेना, करंट वरंट ना आ जाए, ठीक है ना, तो डायरेक्ट की जाती है। अब बेटा इस वायरिंग में एक सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि एक स्विच के साथ में आपके क्या करते हैं, कई बल्बों को जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि एक स्विच के साथ में कई बल्बों को, जरूरी नहीं है पंखों को जोड़ सकते हैं, उपकरणों को जोड़ा जाता है, ये याद रखना बेटा। ऐसी कौन सी वायरिंग है जिसमें एक स्विच में कई उपकरणों को जोड़ा जाता है, तो बेटा वो कौन सी आपकी फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग है। ओके अब बेटा बात करते हैं इसमें आगे और,
और बेटा इसकी बात करें आगे कि जोर तो दिया इसको, पर बेटा ये जो वायरिंग है आपने देखी होगी बेटा घर में भी आप करते होंगे, कहीं कई बार क्या होता है कि अपन घर में भी करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है कि प्रदर्शनी के अंदर भी करें, मेले के अंदर भी करें या फिर कोई त्यौहार पे भी करें। बेटा कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि अपने को कहीं पर भी लाइट लगानी होती है कुछ टाइम के लिए, अपन क्या करते हैं बेटा स्विच में प्लग में क्या करते हैं दो वायर डालते हैं, लंबा वायर लेके जाते हैं, जहां पर प्रकाश की व्यवस्था चाहिए वहां पर एक लट्टू टांग देते हैं, वहां पर लट्टू टांगना आगे और लट्टू टांगना बेटा उसके सीरीज में भी ऐड कर सकते हैं ना। तो एक ही तार से अपन क्या कर देते हैं बेटा तीन चार बल्ब वगैरह उपकरण अपन क्या कर देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, इसीलिए बेटा क्या कहते हैं एक स्विच के साथ में कई उपकरण को जोड़ा जाता है इसमें। अब नेक्स्ट बात अगर मैं बेटा इसकी करूं, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से यह वायरिंग बेटा आपको ही पता है सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी है कि नहीं है यूं बताओ तो बेटा आपको पता चल रहा है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक है ये, है ना, बहुत खतरनाक, खतरनाक मतलब बेटा बहुत डेंजर है, ठीक है ना, बहुत खराब वायरिंग है, करनी नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो यहां पर लिखें यह सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना, करनी नहीं चाहिए इसको। तो बेटा ये तो थी आपकी फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, ज्यादा इनके बारे में नहीं पूछता है, ठीक है ना, तो ज्यादा इनके बारे में क्या तो देखें क्योंकि बेटा बिल्कुल सिंपल सी है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, देखो पहली बात है कि आपके कुछ किताबों में तो बेटा ये देखो ये फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग के बारे में आपकी डिस्कस ही नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब आती है ज्यादातर जो आपकी बोली जाती है ना कि अस्थाई वायरिंग कौन सी होती है, वो क्लीट वायरिंग का नाम ज्यादा आपके सामने मिलेगा और बुक में ज्यादा आपको क्लीट वायरिंग ही मिलेगी। अस्थाई वायरिंग कौन सी होती है आपकी, क्लीट वायरिंग। तो बेटा उसके बारे में देखते हैं क्योंकि उसमें सडल्स के आकार के बारे में पूछा होता है, जो आपके जो आप पीवीसी या सीटीएस केबल भी लें उसमें भी अपन पीवीसी या सीटीएस केबल लेंगे, पर बेटा उसमें क्या होता है कि एक व्यवस्थित रूप से की जाती है, ये कोई व्यवस्थित रूप से नहीं की जाती है इसमें, तो बेटा ठीक है ना लट्टू लगाना है आपको या फिर कोई फैन वगैरह लगाना है। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका, आगे लिखे क्लीट वायरिंग, आगे लिखे बेटा क्लीट, क्लीट का मतलब क्या होगा बेटा सडल, क्लीट को अगर मैं बात करूं ना तो सडल भी कह सकते हैं अपन, तो हेडिंग डालें बेटा क्लीट वायरिंग, बाद में पढ़ेंगे बेटा अपने ये कंप्लीट करने के बाद में स्थाई वायरिंग। इनके कुछ साइज जरूर पूछ लेता है बेटा, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन कल भी पूछा था शायद इवनिंग में आपने पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो बेटा आपको पूछा था कि कंड्यूट वायरिंग में दो सडलों के बीच में दूरी पूछी थी ना, और कल आपने आंसर भी किया था, तो बस बेटा वही चीजें देखो कि यहां पर भी ये चीज थोड़ी याद रखनी है कि एग्जाम में आता जरूर है ऐसा। तो देखें बेटा आगे क्लीट वायरिंग, हेडिंग डालें बेटा दो नंबर आपकी कौन सी वायरिंग आ रही है, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग, अब बेटा देखो क्लीट वायरिंग करते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात ये रखनी है अपने को, क्लीट वायरिंग करने के लिए अपने को करना क्या होगा कि बेटा पीवीएस या सीटीएस केबल का प्रयोग करना है, पीवीसी या सीटीएस केबल का अपन ने प्रयोग कर दिया बेटा, माना कि मेरे पास ये कोई वायर है जो मैं दीवार पे लगा रहा हूं, मेरे को दीवार पे लगा रहा हूं मैं वायर को, बेटा देखो डायरेक्ट अगर मैं वायर को ऐसे दीवार पे खड़ा करूंगा तो बेटा देखो वो झूलने लग जाएंगे ना, तो बेटा मामला बैठेगा नहीं, नहीं बैठेगा ना। तो अब बेटा इन वायरों को अपने को लगाना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर बेटा कुछ सडल यूज करनी पड़ेगी, तो बेटा सडल यूज न बोलकर, इनको सडल नाम न देकर बेटा मैंने इनका नाम दिया है क्लीट, क्लीट या सडल वैसे तो होती तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये होती है बेटा आपकी सडल या क्लीट, बना दी बेटा ये आपकी क्या, आपकी सडल या फिर क्लीट, ये बेटा मैंने कोई बॉक्स माना है जहां से आपको क्या करना है बटन लगा हुआ है, ये लो। अरे यहां से मेरे को क्या करना है, एक लैंप लगाना था, ये लो बेटा मेरे को लगाना है यहां पर एक लट्टू, मैंने ये लगाया यहां पर एक लैंप।
चलेगी। ये थोड़ी व्यवस्थित रूप से दिख रही है, नहीं दिख रही? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग तो बेटा कुछ नहीं है, सीधा लेके जा रहे थे, इसमें थोड़ी सडल वडल लगा के आप क्लीट लगा के अच्छे मैनेज कर रहे हैं ना। तो यहां से बेटा आपको एक क्वेश्चन ये पूछता है सबसे पहले कि यहां पर जो वायर यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो याद रखना पीवीएससी या फिर सीटीएस केबल आपके प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि बेटा ये वायरिंग आपको बाहर से दिखती रहती है ना। इसका फायदा भी है नुकसान भी है, इसका फायदा भी है और है नुकसान भी है, सुनते रहना सब चीजें बताऊंगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो बेटा ये जो मैंने लगाया है ना इसे बोलते हैं अपन क्लीट। क्या बोलते हैं? नाम से पता चल रहा है क्लीट, तो बेटा यहां से आपका नाम निकल के आता है इस वायरिंग का, क्लीट वायरिंग, ठीक है ना। सॉरी, ये तो है क्लीट, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीट वायरिंग। ओके, अब बेटा ये भी क्लीट है और ये भी क्लीट है ना, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि दो क्लीटों के बीच में दूरी कितनी होती है, दो सडलों के बीच में दूरी कितनी होती है, फिक्स रहता है। सियारा मीणा पीवीसी, हाँ बिल्कुल बेटा पीवीसी या फिर सीटीएस केबल यूज करते हैं, ठीक है ना। पहले सीटीएस करते थे, आजकल सीटीएस यूज नहीं करते, पीवीसी करते हैं। बेटा इस सडल या फिर इस आपके क्लीट या सडल के और इस सडल के बीच में जो दूरी है वो मानी मैंने डी है। ये दूरी कितनी होनी चाहिए? ये बेटा दूरी होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी नहीं होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कल भी बेटा ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ये डाटा तो आपको याद ही रखना है। भले ही बेटा आपकी कंड्यूट वायरिंग के बारे में बात कर रहा है, भले ही वो अगर एक नॉर्मल डाटा मैं बताऊं या फिर आपके क्लीट के बारे में बात कर रहा है, सडल के बारे में बात कर रहा है, तो 60 सेंटीमीटर से आपका ज्यादा डाटा नहीं होना चाहिए। ओके, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वायरिंग समझ में भी आई होगी बेटा कि किस प्रकार से अपन करते हैं। तो बेटा इसमें अपन दो तीन बातें और लिख लेते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर अपन क्या कहते हैं कि वायरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्लीट प्रयोग में लिए जाते हैं, इसीलिए इसे क्लीट वायरिंग कहते हैं ना। तो दो बातें लिख लो बेटा कि इस वायरिंग में तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लिए वायर पर क्लीट लगाते हैं, इसलिए इसे क्लीट वायरिंग कहते हैं। ओके, और वीडियो शेयर करते रहे, 13-14 लाइव चल रहे हो यार। हो गया बेटा, करना क्या है अपने को कि यार क्लीट लगा रहे हैं, क्लीट लगा दी इसीलिए इसका क्लीट नाम दे दिया है। अब बेटा सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो क्लीट होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो बेटा क्या होती है, तो जो दो तार की क्लीट होगी एक होगी आपकी थ्री तार की क्लीट, है ना। क्लीट बनी कैसे होती है बेटा, थोड़ा क्लीट और सुन लेते हैं। क्लीट का आकार कई बार पूछ लेता है। क्लीट होती है बेटा आपकी इस प्रकार की, डायग्राम गलत बन गया ये, थोड़ा गलत बना दिया बेटा यार, इसके चौंचे तो फिर तार कैसे निकलेगा यार, गलती होगी यार, दोबारा बनाते हैं इसका ना। किस प्रकार से बनाए अपन? इस प्रकार से बनता है बेटा, तार भी तो निकालने ना। ये लो बेटा, यहां से पेच के द्वारा इसको क्या करेंगे, दीवार के अंदर गाड़ देंगे। ये बेटा जैसे ही आपके नीचे लग गई, इसके ऊपर से क्या करेंगे, ऐसे तार निकल जाएंगे, निकल गए तार। अब बेटा इसको इसके ऊपर क्या करते हैं, ढक्कन और लग जाता है। कैसा? इस प्रकार का ढक्कन लगा देते हैं कि बेटा ये पकड़ने के लिए हैंडल है, ऊपर इसके फिट कर देते हैं। तो बेटा क्लीट बन गई कि नहीं बन गई? बन गई है।
ओके। और क्लीट जो है आपकी, ये जो क्लीट है ये किसकी बनाते हैं, ये दो प्रकार के बनाते हैं, तो टू टायर तार के लिए या फिर बेटा तीन तार के लिए। तीन तार के लिए बनाएंगे तो बेटा एक खड्डा और हो जाता है यहां पर, ये तीन तार के लिए बन गई, और यहां पर बेटा अपने को दो तार के लिए बनाना है तो बेटा ये दो आपके खड्डे दिखाई देंगे। नॉर्मल सी बात है बेटा, आराम से समझने की कोशिश करना। ओके हो गया। सबसे बड़ी बात यही है बेटा कि दो क्लीटों के बीच में आपकी दूरी कितनी छोड़ी जाती है। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार जो आपकी जो ये वायरिंग है आपके फरस या द्रातल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नहीं है। कितनी ऊंचाई पर, माना कि ये बेटा कोई धरती है, यहां से ये अगर वायरिंग आपकी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नहीं है, ज्यादा ऊंची नहीं है, ज्यादा ऊंची नहीं है तो बेटा हो सकता है कि अपन बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बेटा अपन कोई चेयर खिसका रहे हो या फिर बेटा कुछ और काम भी कर रहे हो, तो बेटा इसको मैकेनिकल चोट लग सकती है वायरिंग को। चोट लग गई तो बेटा क्या करेगा, इंसुलेशन खत्म हो जाएगा। इंसुलेशन खत्म हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, अपने को करंट आ सकता है। तो बेटा याद रखें कि अगर इसकी धरातल से ऊंचाई 1.5 मीटर नहीं है तो इसको इंसुलेटेड करना जरूरी होगा। ये नोट करके लिख लें बेटा, अगर क्लीट वायरिंग में वायरिंग धरातल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नहीं है तो इंसुलेटर पदार्थ से इंसुलेटिंग करनी चाहिए। ओके क्योंकि बेटा अगर आप कोई भी सामान इधर उधर कर रहे हो, बाय चांस बेटा डायरेक्ट अगर आपकी कम ऊंचाई पे है तो क्या कर सकता है बेटा, इंसुलेशन आपका खत्म हो सकता है, इंसुलेशन खत्म हो जाए करंट आ सकता है। इसीलिए बेटा इसको क्या करो कि अगर ऊंचाई पे नहीं है तो बेटा यहां पर क्या करो कि आप इंसुलेटर लगा दो इसके भाई, हाँ कुछ दूरी पर जितने तक अपना हाथ वगैरह नहीं जाता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये तो थी अपने पास क्लीट वायरिंग, और इसके बारे में कुछ नहीं पूछता है। चले क्या बात है, आगे कोई कमेंट, टू ग्रेड थ्री ग्रेड, हाँ बिल्कुल बेटा मनु काशवा, आगे चले क्या कह रहे हैं, 60 सेंटीमीटर बिल्कुल अंकित कुमार, यूज 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 यूज, अरे हाँ एक और चीज हो रही, यूज यूज कहां करते हैं बेटा, ये तीन चार चीजें और लिखा देता हूं बेटा, इसका यूज कहां पर करते हैं। तो बेटा इसका जो यूज है आपका वो ज्यादातर बेटा देखो कि आपके मेले हो गए, त्योहार हो गए, मतलब कि प्रदर्शनी हो गई, इन्हीं में आपका ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो बेटा लिख दें इसका उपयोग मेले प्रदर्शनी में किया जाता है। बेटा हिंदी थोड़ा चेक कर लें, किया जाता है ठीक है ना बेटा। इसके थोड़े गुण और अवगुण दोनों लिख लेते हैं, है ना, कई बार पूछ लेता है, गुण भी पूछ लेता है और अवगुण भी पूछ लेता है। तो बेटा नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे, गुण और अवगुण पे भी बात कर लेते हैं, भाई फायदे क्या हैं इस वायरिंग के और नुकसान क्या है अपने को, ठीक है ना। चलें बेटा रफ करता हूं अब। बेटा क्लीट वायरिंग के बारे में अपन थोड़े गुण देख लेते हैं कि क्या इसके गुण है और क्या इसके अवगुण है। अब देखें बेटा नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्लीट वायरिंग के गुण। क्लीट वायरिंग के गुण, भाई फायदे क्या हैं। फायदे तो ये हैं बेटा कि तार आपको बाहर दिखाई देता है, फॉल्ट ढूंढना आसानी होती है। पहला फायदा क्या है, गुण फायदा ना, कि इस वायरिंग में फॉल्ट को ढूंढना आसान होता है, ठीक है। दूसरी सस्ती
वायरिंग होती है। ये तो बेटा इसके फायदे हैं, ज्यादा कुशल कारीगर की, मतलब हर कोई बंदा कर सकता है, अपने जैसा कर सकता है, कोई सर्टिफिकेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती। ओके, नोट करें। अब बेटा इसके अवगुण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखें बेटा, क्लीट वायरिंग है, नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्लीट वायरिंग के अवगुण, अवगुण क्या है भाई? बेटा खुली रहती है वायरिंग, सामने तार दिखते हैं, कोई भी चोट चाट लग गई है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा क्या कह सकते हैं, बाहरी आघातों से नुकसान पहुंच जाता है, सबसे बड़ी बात यह है, बाहरी आघातों से नुकसान पहुंच जाता है, है ना, वायरिंग छिल वगैरह जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करें तो बेटा क्या होता है कि अगर बेटा आग लग गई घर में, तो बेटा इस वायरिंग में झंझट है कि तार जल जाएगा आपका। अगर नमी वाले मौसम है तो बेटा प्रॉपरली बार तार दिखाई दे रहे हैं, आपको करंट लग सकता है। तो बेटा इसमें अग्नि पानी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, यहाँ नोट कर लें, अग्नि डॉट पानी डॉट नमी की कोई सुरक्षा नहीं होती। ओके, अब तो राजी बेटा सारा हो गया होगा, ठीक है। यूज देख लिया बेटा, गुण देख लिए, अवगुण देख लिए इसके प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ज्यादा शेयर करो बेटा, 14-15 व्यूज चल रहे हो यार, क्या तो मजा आए। हो गया होगा। अंकित कुमार यूज हो गया है। राकेश कुमार 1.3, बेटा 1.3 क्या चीज बता रहे हो आप? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहे बेटा, प्रॉपरली हो गया होगा, कमेंट तो कर दो यार, क्या हो गया, कहां नोट करने लग गए। तो बेटा क्लेट वायरिंग के बारे में सब चीजें आपको बता दी है, यहां से क्वेश्चंस पूछता है। गुण अवगुण बेटा इसमें कोई याद रखने की बात नहीं है, ध्यान में रखना है यार, बाहर दिखती है तो बेटा कोई आग पानी से कोई सुरक्षा होने वाली है नहीं, इसमें नुकसान तो यही है। दूसरी भारी आघात लग सकते हैं बेटा, आपने कोई भी चेयर वगैरह बेटा लगा दी पास में, या फिर बेटा कोई चारपाई आगे पीछे कर रहे हो, अलमीरा को आगे पीछे कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, उस टाइम दिक्कत आ सकती है। तो ये वायरिंग अच्छी नहीं है, इस वायरिंग को नहीं करना चाहिए। इसके फायदे क्या है, ये आसानी से हो जाती है, हर कोई आदमी इसको कर सकता है, कोई कारीगर इतनी कोई कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट वाले कारीगर की आवश्यकता नहीं होती, है ना। दूसरी सस्ती पड़ती है, कुछ नहीं करना, तार का पैसा लग रहा है, या फिर आपके सडल का पैसा, क्लीट का पैसा लगता है, इसके अलावा क्या लगता है, कुछ नहीं लगता बेटा, कोई डेकोरेशन नहीं होती। अरे सबसे बड़ी बात यह है, आगे चले बेटा, ये खुली वायरिंग होती है, कुछ दिन के बाद गंदी हो जाती है। ओके शशिराम बोल रहे हैं, ओके बिल्कुल समझ में आ रहा है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट अपन बात करते हैं परमानेंट वायरिंग की, ठीक है ना। तो देखिए आगे परमानेंट वायरिंग, थियोरेटिकल टॉपिक है बेटा ये, कोई न्यूमेरिकल वाला मामला होता ही नहीं है इसमें। इसमें बस था ये करना कि जब एग्जाम देने जाओ तब एक बार इसमें रीडिंग लगा के चले जाना, क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि मशीन स्टार्ट करने वाला था, मशीन के लिए बेटा व्यूज चाहिए मेरे को, तब मशीन स्टार्ट करूं, तब बेटा ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, नहीं तो बेटा इन सब्जेक्टों को एग्जाम के बिल्कुल पास से पढ़ाता मैं, जिससे आपको थोड़ा याद भी रहता, पर व्यूज आप बढ़ा नहीं रहे हो तो करें क्या। मैं मशीन स्टार्ट नहीं कर रहा, जब व्यूज बढ़ जाएंगे उस दिन मशीन स्टार्ट करेंगे। यार 12-13 व्यूज चल रहे हैं, क्या करें। कि ऊंचाई बेटा 1.5 मीटर मानते हैं यार,
चलें आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं आपके। देखें अब अपन पढ़ते हैं स्थाई वायरिंग, परमानेंट वायरिंग। स्थाई वायरिंग ठीक है ना, परमानेंट वायरिंग। परमानेंट वायरिंग क्या होती है? यह वायरिंग बहुत लंबे टाइम के लिए की जाती है, आपको पता होगा। यह वायरिंग क्या करते हैं बेटा? बहुत लंबे टाइम के लिए करते हैं। अपना हाउस वायरिंग भी बेटा एक परमानेंट वायरिंग होती है, जिसको अपन काफी लंबे टाइम तक करते हैं। ओके, मैं बात करूं बेटा कि इसमें अगर अपन लिखें कि जो वायरिंग है जो आवासीय क्षेत्रों में होती है, कार्यालयों में, भवनों, विद्यालयों में आदि में जो लंबे समय तक आपकी वायरिंग की जाती है वो होती है स्थाई वायरिंग, ठीक है ना। तो लिखे बेटा इसमें थोड़ा दो बातें लिख देते हैं आपके के आवासीय भवनों, आवासीय भवनों, स्कूल, कार्यालय कार्यालय कोमा और कहां पर आदि में, आदि में लंबे समय के लिए की गई वायरिंग स्थाई वायरिंग कहलाती है, स्थाई वायरिंग कहलाती है। ओके, स्थाई वायरिंग में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका कौन सा, बैटन वायरिंग। कौन सी बेटा? बैटन वायरिंग। आप हेडिंग डाल दें बेटा बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्थाई वायरिंग क्या होती है बेटा? बहुत लंबे टाइम के लिए वायरिंग करनी है, अपने घरों में, कार्यालय में, ऑफिसों में जो वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपकी स्थाई वायरिंग है। सबसे पहले आती है आपकी बैटन वायरिंग। बैटन से बेटा नाम ध्यान रखना, बैटन का मतलब होता है आपका लकड़ी का तख्ता। लकड़ी की एक फट्टी लेनी है, जैसे अपन क्या कर रहे थे, क्लीट वायरिंग कर रहे थे, सेम डिटो वैसे ही बैटन वायरिंग होती है। बस बेटा इसमें और उसमें फर्क कितना है पता है आपको? इसमें तो क्या करनी है, बैटन पर करते हैं, बैटन मतलब लकड़ी के तख्ते पे करते हैं, तारों को बिछाते हैं और उसमें बेटा दीवारों पे बिछा देते हैं, फर्क इतना सा है, ठीक है ना। क्या फर्क आपका कि बेटा बैटन वायरिंग में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लकड़ी का बैटन लेना पड़ेगा। बैटन लकड़ी का बैटन मतलब कैसे कि बेटा आप क्या कि ये कोई दीवार है, इस पे बेटा एक लकड़ी का फट्टा लगाते हैं, क्या करते हैं, ये अपने पास है एक लकड़ी का फट्टा लगा दिया, बिल्कुल बेटा लगा दिया, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा वायर कैसे दिखाई ना, ये आपके लकड़ी का कोई फट्टा लगाता हूं बेटा, देखो बिल्कुल बेटा लकड़ी का फट्टा है, ठीक है ना। और बेटा जो इसकी ध्यान रखें थोड़ा सा इस वायरिंग को करने के लिए बेटा, जो लकड़ी का फट्टा जो यूज करते हैं ना, इसके ऊपर तार निकालने हैं, ठीक है ना। ये काफी मोटा होता है, और कितनी मोटाई होती है ये आपके टीजी टू एग्जाम में भी पूछा गया था कि बैटन के कम से कम कितनी मोटाई होना जरूरी है, तो बेटा 10 सेमी से आपकी बैटन कम नहीं होनी चाहिए। बैटन जो लकड़ी यूज कर रहे हो, ये किसकी लकड़ी यूज करते हैं, ये बेटा सागवान, चिड़, शीशम की लकड़ी यूज करते हैं, ज्यादातर बेटा यूज की जाती है आपकी सागवान की, ये बेटा बैटन होता है, ठीक है ना। ऐसे बैटन मतलब पतली पतली फट्टियां होती है यार, जो दीवारों पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? दीवार में क्या करेंगे बेटा, यहां पर दीवार में एक खड्डा किया 2x2 सेमी का, 2x2 का क्या करेंगे, खड्डा किया है, क्या किया है, 2x2 सेमी का अपन खड्डा कर देंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर क्या कर देंगे, एक लकड़ी डाल देंगे, डाल दिया, उस पर अपन क्या करेंगे, इनको हुक के द्वारा बैटन को स्थापित कर देंगे। बैटन को स्थापित कर दिया, ये बेटा बैटन क्या करेगी, आपकी बिल्कुल चिपक गई है, हिलेगी नहीं। अब बैटन स्थापित कर दिया, अब क्या करना है कि अपने को इन पे तार लगाने हैं, वापस बेटा इन पे क्या करने हैं, तार आ जाएंगे इस प्रकार के, ये लो तार आ गए बैटन के ऊपर, अपन क्या करेंगे, तार लगा देंगे।
अब कहां तक लेके जाना है, वहां तक आपकी बैटन जाती है, ऊपर आपके तार जाते हैं और दिखने में बड़ी सुंदर लगती है। तो बेटा अब बात कहां से पूछता है, वो क्वेश्चंस कहां से पूछता है सबसे बड़ी बैटन की, तो सबसे पहले पूछता है कि ये जो बैटन यूज करते हैं ये किसकी बनी होती है। तो देखें बेटा मैं आपको लाइनें ना लिखवा के बेटा इसी में सब चीज बता रहा हूं कि जो ये बैटन की बात कर रहा है, बैटन, तो बैटन बना होता है बेटा सागवान का, सागवान, दूसरा चीड़, शीशम आदि की बेटा ये लकड़ी ली जाती है, ठीक है ना, जिसमें क्या नहीं होनी चाहिए, गांठे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी प्लेन होनी चाहिए। चीड़ लकड़ी का यूज किया जाता है इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए, ओके। बात करते हैं जो आप बैटन ले रहे हो इस बैटन की मोटाई कितनी है, तो ध्यान रखना बेटा जो बैटन की कम से कम मोटाई होती है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो बैटन आपका यू मोटा कितना होगा, कितना आपका मोटा होगा, तो बैटन की मोटाई 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ओके, ध्यान में रखना है ये बातें, 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो कि यहां पर मैं एक अलग पेन रेड पेन के द्वारा डिनोट करता हूं, रेड पेन, तो देखें बेटा रेड पेन से मैं देखता हूं कि मेरे को क्या किया कि ये बैटन बेटा ऐसे तो चिपकी नहीं रहेगी, तो बेटा क्या करना, दीवार में होल करना पड़ेगा, और दीवार में बेटा अपने को ये अलग पेन से तो दिख नहीं रहना, बेटा दीवार में क्या करना पड़ेगा, अपने को होल करना पड़ेगा, और दीवार में होल करेंगे तो बेटा कितने बाई कितने का होल करना और कितना बेटा मतलब कि भाई अंदर होल करना, डूंगा, ठीक है ना, होल करना है, है ना, डिफ्थ में कितना जाना भाई उसके, तो देख ले बेटा अपने को क्या करना है कि दीवार में होल करके बेटा यहां पर लिख दें कि आपके दीवार में होल 2x2 सेमी का, 2 सेमी चौड़ा, 2 सेमी ऊंचा का अपने क्या करना है, होल करना है, और 2x2 सेमी का तो अपने क्या करना, होल करना है, और 2 से 3 सेमी या बेटा आपके बेटा देखो ये 3 से आपकी बुक में तो 3 से 4 लिख रहे हैं, मैं 3 से 4 लिखता हूं, 3 से 4 सेमी अंदर तक होल करके लकड़ी को फंसा कर बैटन स्थापित की जाती है, बैटन स्थापित की जाती है। बेटा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है क्या, मैं इतना छोटा लिख रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है ना, 2x2 सेमी का और अंदर तक बेटा डूंगा कितना रखना है, 3 से 4 सेंटीमीटर डूंगा करना है, उसमें लकड़ी फंसा देनी है, उसमें आपकी बैटन लगा देनी है, हो गया यहां तक। अब बेटा यहां तक तो अपन ने देख लिया, ठीक है साहब, अब बेटा यूं पूछ लेता है कि बैटन की चौड़ाई कितनी होती है, भाई अब चौड़ाई भी तो देखनी है, तो बेटा ये होती है बैटन की चौड़ाई। अब मैं यहां से बेटा नोट करके लिखवा देता हूं कि बैटन की चौड़ाई, ये बेटा मैं यहां से एरो लिया और यहां पर लिखा कि बैटन की चौड़ाई, बैटन की क्या देखनी है, चौड़ाई देखनी है, तो बेटा बैटन की चौड़ाई आपको याद रखनी है 12, 19, 25 सेंटीमीटर ली जाती है, कौन कितनी ली जाती है, 12, 19 और 25 सेंटीमीटर तक होती है, हो गया नहीं हो गया। अब बेटा बात हो गई यहां तक कि भाई इसकी चौड़ाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, अंदर खड्डा कितना खोदेंगे दीवार में, अपन ने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बात करते हैं अपन कि बेटा ये तार जो लगा रहे हो आप, क्या बेटा बैटन तो लगा दी, क्या ऊपर ये जो तार अपन यूज कर रहे हैं, जो आपको तार दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ये वाले तार, क्या ये डायरेक्टली बेटा तार ऊपर रहेंगे, तो थोड़ी ना
ऐसे तो गिर जाएंगे, लकड़ी में पावर थोड़ी ना कि इनको चिपका के रखे। तो बेटा यहां पर भी अपन क्या करेंगे, सडल यूज करेंगे। तो बेटा यहां पर जो अपन सडल यूज कर रहे हैं, तो बेटा इनकी जो दूरी होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिए कितने सेंटीमीटर होती है आपकी, इन सडलों के बीच में जो तार पकड़ने के लिए ऊपर अपन सडल यूज की है, इन सडलों के बीच की दूरी जो होती है ये बेटा रखी जाती है आपकी 75 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है, 75 सेंटीमीटर। बेटा यहां तक आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा देखो एक डायग्राम के थ्रू अपन पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए बेटा मैंने लाइनें ना लिखा के आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश है की है। 12, 19, 25 बिल्कुल सही है राम राय मीणा, बिल्कुल राइट आपका। आगे अपन अगर चले कि बेटा इसके बारे में ये देख लेते हैं कि भाई इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है ना। इसके फायदे और बेटा थोड़े नुकसान देख लेते हैं। ये वायरिंग आपकी खत्म हो जाती है यहां पर, तो देखें फायदे और इसके नुकसान। तो बेटा पहले देख लेते हैं बैटन के गुण, है ना। तो मैं यहां पर लिख दूं बेटा, यहां पर लिख देता हूं एरो डाल के, बैटन वायरिंग के गुण, बैटन वायरिंग के गुण। अब बैटन वायरिंग के गुण कौन कौन से हैं भाई, फायदे क्या हैं? तो बेटा पहला फायदा तो आप भी जानते होंगे, यह वायरिंग दिखने में क्या लगती है, सुंदर लगती है। तो लिख दें बेटा यह वायरिंग दिखने में सुंदर लगती है, यह फायदा है ना, अच्छी लग रही है। दूसरा अगर अपने इसका गुण देखें तो क्या होगा, दोष आसानी से ढूंढा जा सकता है, खुली है, यहां पर कोई दोष आ गया इजी देख सकते हैं ना। तो यहां पर देखें दोष आसानी से ढूंढा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, ओके। अब देख लेते हैं इसके तो गुण हो गए, अब यहां पर देखता हूं बेटा कि दिखाई दे रहा, हां यहां पर मैं लिख रहा हूं अवगुण इसके, बैटन के अवगुण कौन कौन से होते हैं। तो बेटा यहां पर मैं नोट करके अवगुण बता देता हूं आपको, इस वायरिंग की अग्नि से कोई सुरक्षा नहीं होती, आग से कोई सुरक्षा नहीं है, आग से सुरक्षा नहीं होती। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा और क्या नुकसान होता है, कोई कमेंट करें बेटा और बताएं कौन सा नुकसान हो सकता है इसका, ओके। बस बेटा यही होता है, दूसरा तो होता ही नहीं, आग से प्रोटेक्शन नहीं होती है। चलें ये थी अपने पास कौन सी आपके स्थाई वायरिंग में पहली। व्यूज बेटा बहुत कम हो गई, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा क्या यार पढ़ने में बेटा। ये रट्टू टॉपिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इतना अच्छी तरीके से बताया बेटा। देखो एक डायग्राम याद रखना है, डायग्राम में बेटा ये देखो आपका क्या लिया, बैटन लिया, बैटन किसका लिया है आपका, सागवान का हो सकता है, ज्यादातर सागवान का यूज करते हैं, वैसे सागवान चिड़ या फिर सीसम का यूज करते हैं। ऐसा सागवान लेना जिसमें आपकी गांठे ना हो, ठीक है ना, नहीं तो बेटा दिक्कत आ जाएगी आपकी, वो गांठे से क्या कर जाता है, फट जाती है आपकी, ठीक है ना, इसीलिए अपन इसमें गांठ नहीं चाहते। बात करें कि बैटन की बेटा मोटाई कितनी होती है, तो बेटा बैटन की मोटाई कम से कम 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा मोटी हो सकती है पर इससे कम मोटी नहीं लेनी है, कम से कम 10 मीटर होता है। आगे आगे आपके मर्जी है बेटा, जितना पैसा लगाओ उतने आप में फायदा है, ठीक है ना। बात करते हैं तीसरी कि बेटा इसकी चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 12, 19, 25 सेंटीमीटर होती है, जो आपको ध्यान में रखना है। दीवारों में कैसे लगाते हैं, दीवारों में बेटा 2x2 सेमी या 3x4 सेमी अंदर तक बेटा खड्डा खोद देते हैं, उसमें आपके क्या करेंगे फर्चट फंसा देते हैं, किसकी, लकड़ी के, और ऊपर बेटा हुक के माध्यम से इनको कस दिया जाता है, किनको, बैटन को कस दिया जाता है। बैटन पे बेटा अब तार लगा देंगे, तार जैसे ही अपन लगाएंगे तो बेटा तार तो गिर जाएगा, इस पे भी बेटा क्या करना पड़ेगा, सडल यूज करनी पड़ेगी, जिनकी जो दूरी रखी जाती है वो 75 सेंटीमीटर की आपकी रखी जाती है। बात करते हैं बैटन वायरिंग के गुण कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो सामने दिख रही है
सुंदर लग रही है। दूसरी बात अगर करें बेटा, इसमें दोष आसानी से देख सकते हैं, है ना। अब अवगुण क्या है कि बेटा आग से प्रोटेक्शन नहीं है, बाहरी आघातों से प्रोटेक्शन नहीं है। यहां पर एक और लिख ले बेटा, बाहरी आघातों से कोई सुरक्षा नहीं होती है। डायरेक्ट बेटा चोट लग गई तो बेटा छिल सकती है, दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो ये कौन सी थी? बैटन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, कैपिंग कैसिंग पर। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ, वायरिंग को अधिकतम नुकसान होता है बाहरी आघातों से। चलें आगे बेटा, समय अवधि एक साथ लिखवा दूंगा आपको, राम राय मीणा, टेंशन ना लें, ठीक है ना। आप एक साथ लिखवा दूंगा। चलें बेटा आगे, हो गया होगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपरली बेटा दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, इतने छोटे अक्षर्स। बेटा डायग्राम में पढ़ने में मजा आ जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है लाइनों की बजाय, इसीलिए बेटा थोड़ा शॉर्ट छोटा लिखा है। देख लें आप थोड़ा सा जूम करके इसको। चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिंग कैसिंग वायरिंग। आगे देखते हैं कैपिंग कैसिंग वायरिंग। बेटा हेडिंग डालें कैपिंग कैसिंग वायरिंग। देखें कैपिंग केसिंग वायरिंग। बेटा कैपिंग नहीं आता, पहले आता है केसिंग, फिर आता है कैपिंग वायरिंग। मैं इसको उल्टा बोलता हूं, आप मत बोलना। कैपिंग नहीं होता, पहले केसिंग आता है, ठीक है ना। ये कैपिंग केसिंग वायरिंग बेटा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है, अभी जैसे अपन बैटन यूज कर रहे थे ना, लकड़ी का तख्ता यूज कर रहे थे, उसी प्रकार अपन क्या करेंगे कि भाई एक केसिंग लेंगे, मतलब एक पीवीसी या फिर लकड़ी का तख्ता लेंगे। बिल्कुल बेटा वैसा का वैसा जो अभी लिया था, ये ले लिया आप, पीवीसी का तख्ता ले लो, बोले आप किसका ले लो, लकड़ी का ले लो। इसीलिए बेटा इसको दो नाम दिए गए, ये दो प्रकार की होती है। ये बेटा आपने एक तख्ता ले लिया, ब्लाइंड, आप पीवीसी का भी ले सकते हो और आप लकड़ी का भी ले सकते हो। इसे बेटा जब तख्ता लेते हो तो बेटा इसको दीवार के अंदर आपने गाड़ दिया, ऊपर लगा दिया, दीवार के जस्ट ऊपर इसको लगा दिया तख्ते को, है ना। तो बेटा ये तो कहलाता है केसिंग, ये क्या कहलाता है, केसिंग। अब बेटा बाहरी आघातों से बचाने के लिए इसको बेटा ऊपर से ढक देते हैं, जो ढकने का जो सामान होता है बेटा ऊपर से ढकते हैं, मतलब उस पर क्या कर रहे हैं अपन, कैप चढ़ा रहे हैं, वो कहलाती है आपकी कैपिंग। तो समझ में आ गया होगा बेटा कैपिंग किसको कहेंगे, जो बेटा सेम इसके ऊपर इसी आकृति का बेटा एक और बनाया जाता है जिसे ढकने के काम आएगा। ये क्या है बेटा आपकी कैपिंग, जब आप इसमें तार लगा दोगे तो ये पकड़ोगे, इसके ऊपर आप इसको ढक दोगे, तो ये हो जाती है केसिंग, सॉरी कैपिंग, और ये है आपकी केसिंग। ये बेटा लिख दें कैपिंग हो गई है। अब बेटा बात करें कि तार को एक जन दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो किसके ऊपर तार लेके जाएंगे, केसिंग के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो नोट करके लिख लें, इस वायरिंग में तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए केसिंग यूज की जाती है तथा इन वायर को ढकने के लिए कैपिंग यूज की जाती है, ठीक है ना, हो जाएगा।
बात करते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग कितने प्रकार की होती है, तो बेटा दो प्रकार की होती है, लिख दें यहां पर केसिंग कैपिंग, वायरिंग दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली मैं बात करूं तो होती है बेटा वुड। कौन सी आपकी? वुड केसिंग कैपिंग। दूसरी अगर मैं बात करूं पीवीसी केसिंग कैपिंग। नोट करें बेटा, आगे चलते हैं फिर। क्या कह रहे हैं? सूखी हुई ठीक सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। बिल्कुल बेटा, सूखी हुई लकड़ी से बनाई जाती है। केबल का अधिक लगाना, केबल का अधिक लगना, बिल्कुल बेटा उसमें केबल अधिक लग रही थी, नुकसान होता है। ओके ठीक है, टिक सागवान, हाँ टिक के दो, चिड़ के दो, ठीक है ना, पीवीसी या वुड। ओके बिल्कुल सही है। तो बेटा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? वुड के कैपिंग केसिंग या फिर पीवीसी कैपिंग केसिंग। एक पढ़ लेंगे बेटा, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, चले आगे। तो बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं वुड केसिंग कैपिंग। ओके तो नोट करें बेटा, मैं यहां प्रूफ कर देता हूं इसको कि वुड केसिंग कैपिंग। अब बेटा जो मैंने ये यहां पर डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने माना कि बेटा ये वुड केसिंग कैपिंग, ये वुड की केसिंग है और ये वुड की कैपिंग है। वुड मतलब लकड़ी, कौन सी लकड़ी यूज में लेनी है? सागवान की लकड़ी लेनी है। अरे बेटा सूखी तो होनी चाहिए, गिल्ली हो गई तो बेटा दिक्कत खड़ी कर देगी। गिल्ली में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? नमी रह जाएगी, नमी में करंट आ सकता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अर्थिंग में बताया था ना आपको, नमी आना मतलब आपका रेजिस्टेंस कम हो जाना, ठीक है ना। तो अपने को तो बाहर रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है, इसका करंट ना आए। तो यहां पर लिखें बेटा, पहली अपन होती है वुड केसिंग कैपिंग। तो वुड केसिंग कैपिंग बेटा ध्यान रखना, यहां पर जो वुड की लकड़ी यूज करेंगे, या बात करें कि इस वायरिंग में केसिंग कैपिंग सागवान कोमा चिड़ कोमा टिक बोलते हैं, टिक की सूखी लकड़ी, लो बेटा कमेंट किया था हमने, सूखी लकड़ी से बनाया जाता है। ओके जो आपकी कैपिंग केसिंग किससे बनेगी? सागवान लकड़ी जो आपकी सूखी होनी चाहिए, इससे अपने इसको बनाते हैं। ओके अब बेटा करना क्या है अपने को, कि बेटा वही काम है कि इसमें बेटा अपने को क्या करना है, ये जो केसिंग ली है ये आपने किसकी ले ली बेटा इस बार है? लकड़ी की ले ली, जैसे बैटन में ले रहे थे बिल्कुल वैसा का वैसा। इसमें बस एक अलग काम ये हुआ है कि कैपिंग लगा देते हैं, जैसे आपकी बैटन वायरिंग होती है उस पर कैपिंग लगा दो, कैपिंग के वुड कैपिंग केसिंग वायरिंग आपकी बन जाएगी। तो बेटा यहां पर अगर मैं तार की बात करूं, तो बेटा यहां पर मैंने तार लगा दिए तार। अब बेटा तार तो लगा दिए, तार तो बेटा देखो क्या है कि आपकी ब्लाइंड कैपिंग और केसिंग हो तो लगा तो दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसको देखो, प्रोटेक्शन करने के लिए यहां पर अपने पास क्या करते हैं, यहां पर अपन क्या करते हैं बेटा कि पंच करते हैं भाई इसको, भाई ये क्या करे आपके किले वगैरह ठोक के बेटा इसको लगाते हैं ना, कि ये आपके क्या करे दीवार पे आपके चिपकी रहे, है ना। तो बेटा ये कई बार आपके दूरी पूछ लेता है या फिर कैपिंग केसिंग की मोटाई पूछ लेता है। तो बेटा ध्यान रखें कि जो कैपिंग केसिंग की बात करें, तो बेटा इनकी जो चौड़ाई होती है वो बेटा दो साइज होता है, एक तो 64 या फिर 90 mm, दो साइज के लिए जाती है। वो बेटा आप पे डिपेंड करेगा कि आपके तारों की संख्या कितनी है, आपके तारों की संख्या कितनी है उस पे आपका क्या करेगा ये आपकी चौड़ाई डिपेंड करने वाली। अगर ज्यादा तारों की संख्या है तो 90 सेंटीमीटर लेंगे, नहीं तो बेटा अपन क्या करेंगे इसको 64 सेंटीमीटर इसका यूज करते हैं।
ओके चले 64 से 90 सेंटीमीटर का लेते हैं बेटा। वैसे जो ज्यादातर डाटा रहता है वो देता है आपका 64 सेंटीमीटर का रहता है, इससे ज्यादा आपके साइज आकार के साइज पे डिपेंड करता रहेगा। यहां से अगर आप याद रखना कि जो गेटियां लेते हैं अपन, इन जो गेटियों के बीच की जो दूरी रखते हैं बेटा 64 सेंटीमीटर तक है। अगर अपन क्या ले रहे हैं 64 मीटर तक ले रहे हैं, तो बेटा इन जो गेटियों की जो दूरी रहती है वो जो दूरी रखी जाती है बेटा 90 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है 90 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाएगी बेटा 90 सेंटीमीटर। अगर बेटा क्या करें कि अपने को अगर 64 से अधिक इसकी अगर आपकी चौड़ाई है, 90 तो बेटा मत याद रखना ठीक है ना, आपको इतना याद रख लेना 64 वाला डाटा ठीक है, क्योंकि बेटा भूल जाओगे। क्या याद रखोगे, इतना याद रखना दो गेटियों के मध्य की दूरी। अगर आप क्या रह रहे हो 64 mm क्या कर रहे हो बैटन ले रहे हो लकड़ी का, तो बेटा दो गेटियों के मध्य की दूरी आपकी 90 सेंटीमीटर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा आपकी क्या कर रहे हो कि ये जो चौड़ाई ले रहे हो आप ले रहे हो कितनी 64 से अधिक, ऐसे याद रखना 64 से अधिक ले रहे हो, इसकी चौड़ाई कितनी ले रहे हो 64 से अधिक ले रहे हो, तो बेटा दो गेटियों के मध्य जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है आपकी 60 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये याद हो जाएगा क्या बेटा, 90 वाला डाटा मत याद रखना, इतना याद रख लेना। अगर आप 64 mm की कैपिंग चौड़ाई अगर 64 mm की ले रहे हो केसिंग, तो बेटा आपके दो गेटियों के मध्य दूरी 90 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 64 mm से ज्यादा ले रहे हो तो दो गेटियों के मध्य दूरी रहेगी 60 सेंटीमीटर। ओके कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। और क्या कह रहे हैं 6.5 mm मोटी होती है, बिल्कुल राकेश कुमार 6.5 mm इसकी जो मोटाई होती है। कई बुकों में तो बेटा अलग अलग लिख रखा है, वैसे ठीक है ना कि आपके बुक में देखना है इसको क्या लिख रखा है, कोई तो बुक में दे रखा है इसमें 2 से 3 और कई में बेटा 5 सेंटीमीटर तक दे रखा है। तो बेटा इसका अप्रोक्सीमेट अपन अगर लेके चलें तो बेटा मोटाई जो होती है आपकी कितनी रखी जाती है इसकी 5 से 6 सेंटीमीटर समथिंग होती है, ठीक है ना मोटाई। तो ये थी अपने पास कौन सी बेटा कैपिंग केसिंग, वुड कैपिंग केसिंग वायरिंग। करना कुछ नहीं है, डिटो सेम है बेटा ठीक है ना, वैसी की वैसी वायरिंग है जैसे अपन बैटन कर रहे थे। अब मैं बात कर लूं थोड़ा सा बेटा पीवीसी वाले की, तो बेटा यहां पर क्या करेंगे पीवीसी यूज कर लेंगे, वो पीवीसी क्या हो जाएगी कैपिंग केसिंग हो जाएगी। बुड की जगह अपन क्या करना, लकड़ी की जगह क्या करना है पीवीसी यूज कर लेंगे, वैसे वो पीवीसी हो जाएगी। अब बेटा बात करते हैं इस वायरिंग के फायदे क्या है, फायदा क्या हो जाता है इस वायरिंग से, ये वायरिंग करने का फायदा क्या है। तो बेटा ये फायदा ये हो जाता है कि बाहरी आघातों से सुरक्षा हो जाती है। तो यहां पर लिख ले बाहरी आघातों से सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है क्योंकि बेटा गंदी नहीं होगी, गंदी नहीं होगी तार खराब नहीं होंगे, तार खराब नहीं होंगे तो बेटा आयु अपने आप बढ़ी हुई है। बात करते हैं इसमें थोड़े कुशल कारीगर की जरूरत होती है, कुशल है पैसा और लग जाता है इसमें, कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ओके और डिटो बेटा सेम टू सेम वो क्या रहेगी आपकी पीवीसी रहेगी। तो ये हो गई बेटा आपकी कौन सी कैपिंग केसिंग वायरिंग। चले आगे बेटा लंबाई का तो नहीं पता राम राय मीणा की, इसकी 3 से 3.5 मीटर होती है क्या एक कैपिंग केसिंग की लंबाई, नहीं पता बेटा मेरे को, मैं सॉरी इसके लिए मेरे को ये डाटा दिखा नहीं था कहीं, क्योंकि बेटा आजकल इनका यूज होता नहीं है तो बेटा इतने डाटा देखने को मिलते नहीं है इनके। चले आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन है, आगे लेड शीत वायरिंग की, क्योंकि बेटा पीवीसी तो सेम डिटो ऐसी ऐसी होगी ना। चले आगे नेक्स्ट की मैं बात करता हूं और सेम ही डाटा बेटा यूज रखना है इनका, दो गेटियों के मध्य दूरी कितनी रखी जाती है। आगे चले हैं, आगे आता है आपका लेड शीत वायरिंग। लेड शीत वायरिंग देखें बेटा, लेड शीत वायरिंग बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग है, लेड वायरिंग
बेटा इस वायरिंग में क्या करेंगे, लेड शीट वायरिंग में देखना क्या करते हैं, यह वायरिंग बैटन वायरिंग की तरह होगी। पहले याद रखना यह वायरिंग बैटन वायरिंग की तरह ही होती है, ये ध्यान रखना। यह वायरिंग बैटन वायरिंग की तरह होती है, पर ध्यान रखना कि आपकी जो बैटन होती है ना बेटा, बैटन बैटन वायरिंग नमी वाले क्षेत्रों में नहीं की जाती, अरे इस वायरिंग को क्या करना है, नमी वाले क्षेत्रों में कर सकते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ओके, इसमें करना कुछ नहीं होता बेटा। जैसे आप क्या कर रहे थे कि वहां पर बेटा एक अपन क्या कर रहे थे कि बैटन ले रहे थे लकड़ी का, इसमें बेटा बैटन जो लेना है वो लेना है, ये जो बैटन है अपना है ना, बैटन में क्या कर रहे थे लकड़ी का ले रहे थे, यहां पर क्या करना है बेटा, ये जो आप फट्टा ले रहे हो ये किसका लेना है अपने को, लेड का लेना है, किसका लेना है लेड का लेना है। और इस वायरिंग का जो यूज है वो 250 वोल्टेज तक किया जाता है, ये स्पेशल बात है बेटा, नोट करके लिखना। इस वायरिंग का यूज 250 वोल्टेज तक किया जाता है। ओके बेस बेटा, इसमें एक ही दिक्कत आती है, रासायनिक पदार्थों से इसे दूर रखा जाता है, जैसे बेटा क्रिया कर जाती है, जैसे आपकी बात करें मरकरी हो गया, तेजाब हो गया, इनसे आप रासायनिक पदार्थों से थोड़ा इनको दूर रखा जाता है, दिखने में अच्छी लगती है ये। तो देखें इस वायरिंग को रासायनिक प्रयोगशाला में यूज नहीं किया जाता, कुछ क्रिया हो जाएगी नहीं तो पारा वारा मिलके लेड के साथ में, ठीक है ना। तो बेटा ये तो थी अपने पास कौन सी, लेड शीट वायरिंग। बस कुछ नहीं करना यार, लेड यूज करनी है। बैटन जब एक बार बैटन समझ में आ गई ना, सेम डिटो वैसे ही चलती है, बस थोड़ा सा अलग रहती है कंड्यूट वाली। कंड्यूट बेटा आपके जो घर में आजकल जो चलती है दीवार के अंदर डाली जाती है, और कुछ बेटा जो कच्चे घर वगैरह पहले होते थे वहां पर कंड्यूट आपकी बाहर भी दिखती है, है ना। तो बेटा वो थोड़ी सी उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो बेटा बैटन में से क्वेश्चन पूछ लेता है, और सारी की सारी वायरिंग बेटा आपके बैटन की तरह ही होती है वैसे कंड्यूट को छोड़ के। तो चलें आगे, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा कंड्यूट वायरिंग। जो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है चले बेटा आगे, कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा कंड्यूट वायरिंग। बेटा लास्ट और देख लेते हैं आपके कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, कंड्यूट वायरिंग में क्या करेंगे बेटा आपके क्या करेंगे, पाइप लेंगे अपन, ठीक है ना, खोखला पाइप लेंगे। अब बेटा वो आपका खोखला पाइप आपका पीवीसी का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, फ्लेक्सिबल आयरन का हो सकता है, ठीक है ना। अपन क्या करना है, यहां पर एक वायर लेना, पाइप लेना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहां पर देखें बेटा कि कंड्यूट वायरिंग में, कंड्यूट वायरिंग में वायर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आयरन कॉमा पीवीसी कंड्यूट, किसका कंड्यूट मतलब खोखले, कंड्यूट का मतलब होता है खोखले, पाइप
का यूज किया जाता है, क्या कहता है, का यूज किया जाता है। नोट करें, इसमें क्या करेंगे अपन, एक खोखला पाइप यूज करेंगे। ऑलमोस्ट आपने देख रखा है बेटा, ये जो आपका खोखला पाइप होता है ये तो या तो बेटा क्या करेगा आपका आयरन का बना होगा या फिर बेटा आपका पीवीसी का बना होगा, और ज्यादातर जो अपन लेते हैं इसका वो बना होता है बेटा आपका पीवीसी का। अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जो बेटा आपने ये पाइप जरूर देखा है घर में आपके वायरिंग हुई है तब बेटा इसको यूज करते थे ना, बिल्कुल बेटा जो ये अपन यूज करते थे। ओके राकेश कुमार बोल रहे हैं कि ये जो कंड्यूट बेटा अपन पीवीसी का एक पाइप यूज करते थे, तो बेटा इसमें पाइप की जो लंबाई होती है ये आपकी लंबाई L है, ये कितनी होती है ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे, व्यास भी बेटा आप बताओगे, क्योंकि बेटा ज्यादातर इसको अपन देखते भी हैं। और इन्होंने राकेश कुमार ने तो कमेंट कर दिया, रामराय मीणा ने भी कमेंट कर दिया है कि 16 से 65 mm व्यास की होती है, तो बेटा ये कितने व्यास की होती है आपके 16 से 65 mm व्यास की होती है, किसकी व्यास की, व्यास बेटा यहां से लेके यहां तक की अगर बात करें तो मोटी कितनी होती है ये 16 से 65 mm के व्यास की होती है। इसके अंदर अपने को तार डालने हैं। बात करते हैं बेटा लंबाई की, तो बेटा लंबाई कितनी होती है, लंबाई एक बार बता दें, रामराय मीणा बोल रहे हैं लंबाई 3 से 3.5 meter, बिल्कुल बेटा जो इसकी लंबाई होती है कंड्यूट की जो लंबाई होती है 3 से 3.5 meter आपकी पाइप क्या हो गई लंबी होती है। ओके इसमें क्या करेंगे बेटा अपने को वायर यूज करने हैं, इसमें भी बेटा अपने क्या करनी है सडल यूज करनी है, क्योंकि बेटा अपन दीवार में एक जो आपका कंड्यूट पाइप लगाएंगे तो बेटा अपने को सडल तो लगानी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं दीवार पे चिपका रहेगा। ये जो सडल की दूरी रहती है बेटा, इनकी सडल की दूरी 60 cm होती है, कितनी होती है कम 60 cm, इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो बेटा पाइप आपका लटक जाएगा। अब बेटा बात करते हैं कि ये जो कंड्यूट वायरिंग है ये दो प्रकार की होती है, एक तो बेटा देखो साफ बाहर दिखाई देती रहती है और एक बेटा अपन क्या करते हैं दीवार के अंदर डाल देते हैं, जिसे अंडरग्राउंड भी कहते हैं या फिर कंसल्ड वायरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं कंसल्ड, अंदर डाल दी दीवार के। और कंड्यूट मतलब कंड्यूट वायरिंग दो प्रकार की है, एक तो बेटा सरफेस बाहर दिखती है, एक कंसल्ड मतलब अंदर डाल दी दीवार के, तो दोनों वायरिंग की जाती है। इसमें इस वायरिंग में पाइप वाली जो वायरिंग है ना ये, इसमें दिक्कत ये आती है कि बेटा इसमें सब चीजें अच्छी है, दिखने में बहुत सुंदर है, पर बेटा प्रॉब्लम ये है कि बेटा पैसा बहुत लगता है इसमें, इसमें बेटा एल्बो टी जोड़ सब कुछ चीजें यूज में की जाती है। सबसे महंगी वायरिंग आपकी कंड्यूट वायरिंग है, कौन सी सबसे महंगी वायरिंग पूछे कंड्यूट वायरिंग, सबसे ज्यादा उम्र कंड्यूट वायरिंग की, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंड्यूट वायरिंग। बात करें बेटा और महंगी सबसे ज्यादा, अरे बात करें और कि भाई और क्या होता है, महंगी तो हो गई अच्छी बात है, लाइफ भी ज्यादा हो गई। ओके बात करते हैं कि करने के लिए आम आदमी इसको नहीं कर सकता, एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ओके कुशल कारीगर की क्या रहेगी आवश्यकता होगी, क्योंकि बेटा तार डालना हंसी खेल की बात नहीं है, इसमें तार डालने के लिए फिश वायर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इसमें अगर तार निकालना है इस सिरे में तार डालना है तो यहां से निकालना है तो किस वायर का यूज करेंगे फिश वायर का प्रयोग करते हैं। ओके बात एक चीज ये भी है कि कुशल कारीगर की आवश्यकता रहती है, और दूसरी ओर बेटा कोई भी दोष आ गया ना तो आम आदमी पहचान नहीं पाता कहां पर दोष आ गया है, तो इसीलिए कुशल कारीगर की इसमें आवश्यकता रहती है। 12 से 15 meter रहती है बेटा यार, ये एक सेकेंड राकेश कुमार बोल रहे मीटर 12 से 15 meter रहती है, नहीं बेटा ज्यादा हो जाती है 3.5, एक सेकंड बेटा मोटाई, अरे यार ये किसने बताया था ये गलत हो गया, बिल्कुल राइट है 3 meter नहीं होता ठीक है ना, 5 meter तो बेटा अपना हाथ तक होता है ना, बेटा इसकी लंबाई मैं देख के बताऊंगा, इतना मेरे को अभी आइडिया नहीं है ठीक है ना, गलत था ये, मैं देख के बताऊंगा इसका लंबाई कितनी होती है। तो बेटा अब बात करें अपन कि होता क्या क्या है कि इस वायरिंग को, इसकी बेटा लंबाई मैं देख के बता दूंगा आपको ठीक है ना, जैसे कमेंट कर दूंगा मैं इसकी लंबाई का, मेरा डाटा दिमाग में से निकल गया है लंबाई का। तो चले बेटा देखें, सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि यह सबसे महंगी वायरिंग है, ये याद कर लेना बेटा, सबसे महंगी वायरिंग
बात करें बेटा सबसे महंगी हो गई, पर बेटा सबसे अधिक आयु वाली भी वायरिंग यही है। अधिक आयु हो गई तो बेटा सुंदर भी, सबसे ज्यादा लगती है। करने के बाद ऐसा लगता है लट्टू पता नहीं कहां से जल रहा है ना बेटा। सुंदर लग रही है, सुंदर लगाने के लिए पैसा लगाना जरूरी है, तो सबसे महंगी भी होती है। अच्छा महंगी हो गई क्या, ठीक है। इसमें सबसे अधिक आयु होती है, सुंदर दिखती है और कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बाहरी चोट, बेटा तब तार के पाइप के अंदर तार, बाहरी चोट वैसे नहीं आया। दोबारा बेटा इसको दीवार में और डाल दें कंसल्ट में ना, तो बाहरी चोट आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बाहरी चोट या फिर बाहरी चोट का कोई नुकसान नहीं, या ऐसा लिख दें बाहरी आघातों से सुरक्षा, बाहरी आघातों से सुरक्षा। ओके बात करते हैं आगे, इसमें फॉल्ट आने पर, इसमें क्या बेटा आपका फॉल्ट आ गया तो ढूंढना मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल होता है बेटा। ये है आपकी कौन सी कंड्यूट, और कंड्यूट के दो भाग होते हैं, एक तो बेटा दीवार के आपको बाहर की जाती है, एक अंदर की जाती है, उसे कंसल्ड कहते हैं। तो ये थी बेटा टाइप्स ऑफ वायरिंग। अब बेटा कुछ चीजें आपकी नोट करके याद करके रखना है, इसका नोट कर ले बेटा। और इसकी बेटा लंबाई मैं आपको बता दूंगा कितनी होती है, थोड़ा सा एक चीज बताई देते हैं कि लंबाई इसकी कितनी है। तो एक सेकेंड रुके, बेटा कोई बुक में देख के डाटा डिस्कस कर लेंगे इसका, ठीक है ना। मैं कमेंट कर दूंगा इसके बारे में, आपकी लंबाई के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ जाते हैं, उम्र आयु वगैरह से क्वेश्चंस पूछ ले, या फिर बेटा इनसे पूछ ले कि किन में कार्य कुशल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, वो चीजें बेटा डायरेक्ट पूछ लेता है। तो बेटा वो भी नोट करके बता देता हूं मैं, फिर ये वायरिंग आपका चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। देखें आगे, बेटा अगर आयरन की ले रहे हो ना तो बेटा बिल्कुल आप परत चढ़ाते हैं, वरना बेटा परत चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पीवीसी लेते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। पीवीसी लेते हो तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे सही है बेटा, जिस्ती की बना देते हैं। चले आगे आगे बेटा, आपको टॉपिक लिखना है। देखें एक आप एक टेबल बनाए, पहले तो लिखना है बेटा, देखो आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चार वायरिंग है, कौन सी, क्लीट, पहले कौन सी बेटा, क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग और कैपिंग, कैसिंग है ना, कौन सी, कैसिंग कैपिंग, कैसिंग कैपिंग और बेटा लास्ट आती है कंड्यूट। चलो कोई दिक्कत नहीं, राम राम बेटा, देख लेंगे बेटा, देख लेंगे देख लेंगे, ठीक है ना, ना टेंशन लो यार। चले यहां पर लिखें बेटा विषय, सबसे बड़े पहले बेटा देखें, ये आपको मैं एक टेबल बना देता हूं यहां पर बेटा, इनको ध्यान में रखना क्योंकि कई क्वेश्चन आ जाए बेटा आपके गलत नहीं जाने चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है बेटा मैकेनिकल चोट, यांत्रिक आघात, ऐसे लिखते हैं मैकेनिकल चोट, यांत्रिक आघात, बाहरी चोट या फिर बेटा किसी से चोट लगना। तो क्लीट वायरिंग में प्रोटेक्शन का कोई मामला है क्या,
क्लीट में होता है क्या? नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल बारी अगात बजेट खाएगा इस पे ना। बैटन में भी बेटा कुछ नहीं होता, केसिंग कैपिंग में हाँ भारी आघात से सुरक्षा लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ में नहीं आएगा, भारी आघात से सुरक्षा। अब समझ में आ जाएगा, देखिए भारी आघात सुरक्षा क्लीट वायरिंग में होती है क्या? नहीं होती, बैटन में भी नहीं होगी, बाहर दिखता वायर ना, केसिंग कैपिंग में इसमें होती है, होती है पर थोड़ी होती है, कैसे कि बेटा ऊपर कैप चढ़ा देते हैं, अगर जोर से भारी आघात न लगे तो बेटा कर सकता है, इसमें अच्छे से बेटा क्या होता है भारी आघात सुरक्षा प्रदान हो जाती है, क्योंकि ये तो दीवार के अंदर भी होती है, कंसल्ट वायरिंग भी होती है ना, तो अच्छे से सुरक्षा, अच्छे से ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखें आग से बचाओ। अब आग से कितने कौन कौन बचाव कर रहा है, देखें दो नंबर टॉपिक लिखें, आग से बचाओ। तो बेटा किन किन में आग से बचाव नहीं होता? इसमें आग से बचाव होता है क्या? बार तार दिखाई दे, नहीं होता, इनमें भी नहीं होता, कैसिंग कैपिंग में भी आग से बचाव नहीं कर पाती, पर ये अच्छे से कर सकती है। पता चला क्यों कर सकती है? दीवार के अंदर है, क्या मतलब बाहर आग लग जाओ, भले कमरे में आग लग गई बेटा आपके वायरिंग में कुछ नहीं जाता, बोर्ड बार्ड खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तीसरे की बात करते हैं बेटा विस्तार की, बेटा विस्तार मतलब करने के लिए कैसा कैसा चाहिए, ठीक है ना, मतलब विस्तार आपका कैसा होता है। तो इसको करना बहुत आसान है, इसको करना बहुत आसान है। बैटन को क्या करेंगे बेटा, तो बैटन भी बेटा आसान है ना, ये तो बहुत ही आसान होती है और ये थोड़ी आसान है, ये बेटा थोड़ी क्या रहेगी आपकी कठिन रहेगी, अरे ये बेटा करने में क्या होती है बहुत कठिन होती है। बात करते हैं बेटा कारीगर की, कि बेटा कारीगर कैसा चाहिए, कारीगर क्योंकि बेटा बाहर से पकड़ के लेके आओगे करने के लिए, कारीगर की अगर मैं बात करूं तो बेटा कारीगर कैसा चाहिए, इसमें तो बेटा अर्ध कुशल से काम चल जाएगा, अर्ध कुशल अपने जैसा बंदा हो जाए ना, इसमें भी बेटा आपका अर्ध कुशल से काम चल जाएगा, इसको करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, इसमें उत्तम कुशल कारीगर की, उत्तम बहुत अच्छा कारीगर चाहिए, मैंने बोला था अच्छा कारीगर हो ना, उत्तम कुशल कारीगर, कारीगर आवश्यक होता है। अब बेटा लास्ट बात कर लेते हैं अपन आयु की, कई बार बेटा आयु पूछ लेता है, सबसे बड़ी बात यह है आयु, आयु देखे बेटा इसकी होती है 5 साल, इसकी हो गई आपकी 5 से 15 ओके। क्लेट की होती है बेटा आपकी कितनी, 5 साल, और बैटन की होती है 15 साल, और केसिंग कैपिंग की होती है 20 साल, कितने साल 20 साल, और कंड्यूट की बेटा अधिक होती है, ठीक है ना, बहुत अधिक होती है। तो बेटा इनको याद कर लें, आपको बोला था कि लास्ट टाइम बेटा मैं एज वगैरह लिखवा दूंगा, ये बेटा एज वगैरह लिखा दी है, ये डाटा आप थोड़ा ध्यान रखें सारणी को ओके। ओके 60-60 सेमी वीएम, 60-65-16-65 एमएम, अरे किसका आंसर, किसका किसका कर रहे हो, किसका कर रहे हो यार, मोनो कासवा 1 से 5 एमएम, 16 से 65 एमएम, अच्छा कंड्यूट की बात, किसकी बात कर रहे हो, किसके आंसर दे रहे हो, क्या दे रहे हो बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा इसे बिल्कुल। चलें तो बेटा कुछ बताएं कि मोनो कासना, अच्छा मुन्ना कासना, बताएं क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो आप यार, साठ सेमी बिल्कुल बेटा, जो सेडल्स होती है उनके बीच के जो दूरी रखी जाती है वो 60 सेमी रखी जाती है, सही है, सही है यार ओके।
16 65 16 65 16 65 16 65 क्या दे रहे हो एमएम? कौन सा डाटा बता रहे हो यार? पता नहीं कौन सी वाइंडिंग का, कौन सा वायरिंग का, कौन सा डाटा बता रहे हो? एक एक बेटा पहले देखते तो 1 से 5 मीटर। चलो जो भी है कमेंट कर ले बेटा। चलो ये तो थी अपने पास क्या वायरिंग। अब बेटा इसके अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेटा मंडे को करेंगे। कल आपका मैं ऑफ रखूंगा और मंडे को बेटा अपन इसी टाइम आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि वायरिंग में से क्वेश्चंस आपके आते किस प्रकार से हैं। एक बार बेटा आप भी देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं बेटा, इवनिंग में मिलते हैं। एक आपके यूपीपीसीएल 24 जनवरी का पेपर एनालाइज कर रहे हैं, वहां पर आप जरूर पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।